मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत के कई राज्यों में सेना भर्ती के अग्निपथ योजना पर ऐसा बवाल मचा हुआ है कि चारों तरफ अग्नि तांडव देखने को मिल रहा है, मगर सोशल मीडिया में अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन हिंसाकारी प्रदर्शनकारियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। आपको बता दें कि सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी के खिलाफ यूपी, बिहार, तेलंगाना, अन्य राज्यों में इस कदर हिंसा भड़क गई है कि तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक पुलिस चौकी को भी जला दिया गया और लूटपाट की गई है। इस पर जर्नलिस्ट अहमद खाबिर ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या अब इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, UAPA, NSA इन पर लगाया जाएगा या सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है। आपको बता दें कि ये भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इन लोगों पर UAPA, NSA के तहत कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह के हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। नूपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कई मुस्लिम लोगों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जिसमें एक नाम आफरीन फातिमा का भी शामिल है। आपको बता दें घरों को तोड़ा गया था और कई लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई ज़बरदस्त तरीके से की गई थी, मगर जिससे अब हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि अग्निपथ योजना के नाम पर जिस तरह से देश में अग्नि तांडव हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इस पर कार्रवाई कब होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को तहस नहस किया जा रहा है, आखिर इन पर कार्रवाई कब। इसी तरह से जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर विनोद कापरी ने भी रीट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में मुसलमानों के पोस्टर छापने वाले, घर तोड़ने वाले आदित्यनाथ को ये दंगाई दिख रहे हैं कि नहीं। विनोद कापरी ने भी सरकार से सवाल किया है कि आखिर क्या सिर्फ मुसलमानों पर ही कार्रवाई होगी। जिस तरह से अग्निपथ योजना के नाम पर आगजनी और लूटपाट हो रही है, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये हर कोई अब सरकार से सवाल पूछ रहा है। अब आपको मीडिया का भी खेल दिखाते हैं, किस तरह से मीडिया में भी शब्दों का खेल खेला जाता है। ये आज तक का ट्वीट है, इसमें लिखा है कि जुमे की नमाज के बाद हंगामे और पथराव की आशंका को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। उपद्रवियों से निपटने के लिए प्रशासन ने खास बंदोबस्त किया है, यहाँ पर उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह से आज तक का एक दूसरा ट्वीट भी आपको दिखाते हैं जो सेना के ऊपर है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन अब पश्चिमी यूपी तक पहुंच गया। यहां पर इस बात का गौर देना जरूरी है कि यहां पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन लिखा गया है, जबकि जुमे की नमाज वाली जो ट्वीट है उसमें उपद्रवी लिखा गया है और यहाँ सेना भर्ती वाला जो ट्वीट है यहाँ पर युवाओं लिखा गया है। ये वो युवा हैं जो ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उपद्रव मचा कर रखा हुआ है 3 दिन से, और इन्हें युवा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी तरह से जो है, चाहे वो जुमे की नमाज पढ़ने के दौरान प्रदर्शनकारी हिंसा करें या फिर अग्निपथ योजना के नाम पर प्रदर्शनकारी जो हिंसा करते हैं, वो हिंसक प्रदर्शनकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।